अपग्रेड इज द की टू सक्सेस। रियलिटी शो के बाद बैठ नहीं सकते। हमने कितने से कंटेस्टेंट्स देखे जो रियलिटी शो करके गायब हो गए। सना सुल्तान उनमें से एक नाम नहीं बनना चाहती। एंड आई जस्ट वांट टू बी आउट देयर। मेहनत कर रही हूँ, बेशक मेहनत करना मेरे हाथ में, बट नतीजा देना ऊपर वाले के हाथ में। ऑल राइट एवरीवन, आज हमारे साथ है द आला गर्ल, बट द आला गर्ल हाथ ना आने वाली है। ये आला गर्ल द हाथ ना आने वाली एज ए सिंगर हम पहली बार देख रहे हैं। सिंग स्पेशली ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था, मैं आते वक्त सुन रहा था, काफ़ी अच्छा गाना है एंड काफ़ी अच्छा अच्छी तरह से आपने गाया है। कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कंप्लीट परफॉर्मर बनूँ। और एज एन एक्टर मैंने 40 म्यूजिक वीडियो किए, बट मुझे पता है जो एक सिंगर की वैल्यू होती है, जो एक परफॉर्मर की वैल्यू होती है, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू डू दिस। सही वक्त नहीं मिल रहा था, बट अब जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फाइनली गाना चाहिए। एक बहुत बड़े सिंगर है पंजाब इंडस्ट्री के, उनका नाम शेरीमान है। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, क्या तुम्हारी आवाज़ इतनी सोनी है सना, तो तुम्हें कंप्लीट परफॉर्मर बन जाओ, स्टेज पर तुम अच्छा करती हो। तो सजेशन को मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया, आई वर्कड ऑन इट, एंड अब नतीजा आपके सामने है। तो बस दुआ करें, सपोर्ट करें कि मेरा गाना अच्छा जाए। सबसे खास बात क्या लगी इस गाने की आपको, अगर जब आपने गाए थे या फिर लोकेशंस? मैं देख रहा था बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है जहाँ पे शूट किया है, अगर आप कुछ बताना चाहोगे एज अ सिंगर, एज एन एक्टर, जब आप परफॉर्म कर रहे थे, जब आप गाने को रिहर्सल्स, बैक ऑफ द माइंड रिहर्सल्स कर रहे थे, सबसे खास बात क्या थी? हुक लाइन। मुझे लगता है कोई भी गाना हिट अपनी हुक लाइन और म्यूजिक से होता है, क्योंकि अगर हुक लाइन पब्लिक घर पर लेकर जाती है, मतलब आपका गाना लोगों को जहन में और जुबान पे बैठ गया। और हुक लाइन कभी भी कैची होनी चाहिए। तो इसकी जो हुक लाइन है, क्योंकि मैं तेरे हाथ तना आने वाली टैन, तो अरबिक टाइप थोड़ा सा म्यूजिक है, हुक लाइन कैची है, तो मैंने हुक लाइन पे ज़्यादा तवज्जो दिया। एंड या आई मीन पीपल आर लाइकिंग इट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और लोकेशंस तो थे ही, हमने थाईलैंड में शूट किया था, एग्जॉटिक लोकेशंस पे, प्लेन के अंदर शूट किया है, तो अच्छा मतलब वो है। सना, पिछले 3-4 सालों की मैं बात करूँ आपके करियर की, जिस तरह से आप वर्क इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, बट ये साल की बात करूँ, बिग बॉस आया, फिर गाना आया, और इतनी सारी मीडिया आपको कवर करना है, कितना अच्छा फील होता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतने सालों का हार्ड वर्क जब रिजल्ट्स आता है, जब रिजल्ट्स इतने प्यारी तरह से आ रहा है, पीपल आर लविंग इट, मीडिया इज़ लविंग यू, योर फैंस आर लविंग इट, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत आला लगता है सीरियसली। मतलब मुझे पता है, हमेशा से लगता है कि अपग्रेड इज़ द की टू सक्सेस। पहले मैं इन्फ्लुएंसर थी, फिर मैंने म्यूजिक वीडियो किया एज एन एक्टर, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे रियलिटी शो भी ट्राई करना चाहिए, मैंने वो किया। अब रियलिटी शो के बाद बैठ नहीं सकते। हमने कितने से कंटेस्टेंट्स देखे जो रियलिटी शो करके गायब हो गए। सना सुल्तान उनमें से एक नाम नहीं बनना चाहती। आई वॉन्ट बी आउट देयर एंड आई वॉन्ट एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ थ्रू माई एंटरटेनमेंट, बीट माई वॉइस, बीट माई परफॉर्मेंस। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी आउट देयर। मेहनत कर रही हूँ, बेशक मेहनत करना मेरे हाथ में, बट नतीजा देना ऊपर वाले के हाथ में, और आपके हाथ में भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपको लाइक करना है उसी हाथ से। सना, एक आखिरी सवाल, सोशल मीडिया में अभी जस्ट बोला आपने, रियलिटी शो करने के बाद लोग बैठ जाते हैं। सलमान सर प्रोमो स्टार्ट हो चुका है, बिग बॉस बहुत जल्द स्टार्ट होगा, क्या सना सुल्तान को उस घर में देख पाएंगे इन फ्रंट ऑफ सलमान सर? प्रमोशन के तौर पे शायद देख लोगे कुछ, अगर प्रमोट करना आयो तो, बट कंटेस्टेंट के तौर पे अभी नहीं। अब पूरा फोकस एज अ परफॉर्मर है। मेरा ड्रीम है कि मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करूँ, बहुत सारे इवेंट्स करूँ बतौर परफॉर्मर। फिलहाल मेरा तवज्जो उसके ऊपर है, बाद में देखेंगे करना है नहीं करना है, बट अभी आई एम ऑन माई गो। मेरे 2-3 गाने ऑलरेडी तैयार है। नेक्स्ट गाने का नाम है आप लोगों का फेवरेट वर्ड जो आपको मेरे मुँह से पसंद है, आला आला गर्ल। थैंक यू सो मच सना, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके, सो बजूका के साथ है यहाँ पे सना सुल्तान, और हमेशा बहुत आला दर्जे से इन लोग कैप्चर करते हैं इवेंट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, ओके बाय।